कहने तो बहुत गुस्सा लगती थी, लगती है ना। तो मैं भाषण देने के लिए नहीं, जैसे आप राम भक्त वैसे मैं भी राम भक्त, और राम भक्त के रूप में आज बजावा रामलीला कमेटी का या देख रहा हूं, यहां तो कोरोना प्रोटोकॉल पूरा तोड़ दिया है आप लोगों ने। कोरोना पावन पर्व पर मैं सभी अपने प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे भी सभी राम भक्तों के अलावा नगर के सारे उत्तर प्रदेश के दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सौभाग्य रहा कि आज मुझे पजावा के भी रामलीला कमेटी के भगवान राम के, लक्ष्मण जी के और माता सीता के, हनुमान जी के दर्शन पूजन करने का अवसर मिला, और आज कटरा रामलीला कमेटी में भी मुझे जाकर के इसी प्रकार का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आज जो राम भक्ति की शक्ति है ये कायम रहेगी, तो हम राम भक्ति की शक्ति से हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा और हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का भविष्य भी मजबूत होगा। अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र टंडन जी, कोषाध्यक्ष श्री अमिताभ टंडन जी, निदेशक श्री सचिन गुप्ता जी, संयोजक के रूप में कार्य देख रहे राजेश मल्होत्रा जी, राजगद्दी के संयोजक मोहन जी टंडन हैं। अच्छा लगता होगा, केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, लेकिन अपने परिवार के अंदर भी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जैसा जीवन जिया है, बहुत सारे हमारे लोग भजन गाते हैं, जाही विधि राहे राम, जाही विधि राखे राम, ताही आने वाली दीपावली की भी अग्रिम शुभकामना देता हुआ आप सबको प्रणाम करते हुए एक बार मैं फिर से जाऊंगा। जितने भी लोग हैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके तेजी से बोलिए, लगा